नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं क्योंकि मिशन मून आज इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर चंद्रयान 3 पूरी तरह से तैयार है। आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर भारत कदम रख देगा। दुनिया की चंद्रयान 3 पर लैंडिंग जो होने जा रही है भारत की, उस पर नजर है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर देश विदेश में पूजा अर्चना प्रार्थनाओं का दौर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा दिन है आज। आज भारत के लिए इतिहास रचने वाला दिन है क्योंकि चंद्रयान 3 की आज सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है। साउथ पोल पर यह सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक अगर हो जाती है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। पहला ऐसा देश होगा दुनिया का भारत। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 जुलाई का वो दिन जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और आज नजर बनी हुई है चंद्रयान 3 पर कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 6:04 का समय होगा। साउथ पोल की अगर बात की जाए तो साउथ पोल पर आपको बता दें ये लैंडिंग होगी और ये सॉफ्ट लैंडिंग होते ही भारत इतिहास रच देगा। तो तस्वीरें आपके सामने चंद्रयान 3 पर, पूरी दुनिया की नजर। और ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपको बता दें रूस का जो लूना का मिशन था वो क्रैश हो गया था, उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई थी और अब भारत पर आपको बता दें नजर है। तो बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके जहन में, अब उन सवालों पर नजर गड़ा लेते हैं। कितने बजे ये लैंड करने वाला है तो आपको समय हम बता रहे हैं। 6:04 पर ये सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है। भारत का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3 और आपको बता दे कि चंद्रयान 3 आज इतिहास रच देगा सफलतापूर्वक लैंडिंग के साथ ही। भारत की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश रही है कि जो भी मिशन हो वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो। और 14 जुलाई को आपको बता दें लॉन्चिंग हुई थी चंद्रयान 3 की, तब से लेकर अब तक लगातार नजरें इसी पर बनी हुई हैं। 40 दिन बाद लैंडर और रोवर, जिसमें विक्रम और प्रज्ञान भी इसको बोला जा सकता है, साउथ पोल पर ये आपको बता दें लैंडिंग करने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं और शाम 6:04 का समय है। पूरे देश के साथ साथ दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी हुई हैं। तो आज ही ये लैंडिंग क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चांद की अगर बात की जाए तो यहां पर 14 दिन तक दिन रहता है और 14 दिन तक रात रहती है। अभी वहां पर रात है और इसरो का मानना है कि आज से चांद पर दिन होगा, वहां पर सूर्य दिखेगा। और अब आपको बता दें जब चंद्रयान की वहां पर लैंडिंग होने जा रही है तो दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस मिशन के लिए। और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, जो सौर ऊर्जा सूरज से मिल रही होगी। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, ये वैज्ञानिकों का मानना है और इसी वजह से आज ये लैंडिंग होने जा रही है। और इसकी वजह से आपको बता दें जो चंद्रयान है उसका रोवर चार्ज हो सकेगा सौर ऊर्जा के जरिए। इसी वजह से आज का दिन रखा गया है। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है। और अगर साउथ पोल पर आपको बता दें यह सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने जा रहा है।